शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कोई बात नहीं सुननी हमें आप। कीर्ति प्लीज, इतने गुस्से में भी है? आ जाओ खाना खा ले, बैठ। तुम्हें बहुत शौक है ना नौकरानी की जगह लेने की, तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, उसकी जगह पूरी तरह से ले लो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पर श्रद्धा को भी तो समझना चाहिए कि ये उसका घर है। और ऐसे समझाएंगी आप उसमें झाड़ू पोछा फेंक के? आज गलती आपकी है और अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। अभय, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? कंफर्टेबल नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मुझे भी दिखाओ ना, ऐसे छुप कर क्यों खड़ी हो? देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखो तुझे जो यूं ही, ऐसी हुई मैं तेरी दीवानी, तेरी चले मनमानी। क्या हुआ? वो कुछ चुभ रहा है। तो मुझे बोलो ना, मैं देखता हूँ। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही, ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने, बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। श्रद्धा, वैसे ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है तुम पे। अब क्या हुआ? फिर से हमें ताने सुनाने के लिए बुलाई है? आइए हमारे पास बैठिए। बेकार कामों के लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये आपके लिए है। ये हमारे लिए? देखिए तो कैसा लग रहा है।
अच्छा है? ये त्रिपाठी खानदान का पुश्तैनी हार है, हमारी सास ने हमको दिया था और अब हम इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। अब मम्मी जी, ये हार बहुत सुंदर है, आप सच में ये हमें देना चाहती हैं? जी। थैंक यू, ये सब हमारा है? हाँ। हम वरुण जी को दिखा कर आते हैं। जी। थैंक यू मम्मी जी। भाभी, ये आपने क्या किया? आपने हमारी माँ का इतना कीमती और पुश्तैनी हार अपनी बदतमीज, बदतमाग और लापरवाह बहू को दे दिया। क्यों किया आपने ऐसा भाभी? ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऋतु, ये हार हमारे बेटे की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। अरे वाह, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे कितना जच रहा है। फोटोज ले लेती हूँ, पोस्ट करने में काम आएंगे। लाइव चले जाए क्या? सबको दिखाना पड़ेगा ना कि हमारी सासू माँ ने कितना महंगा हार दिया है। जेलस फील होगा सबको। अरे वाह कीर्ति, सुंदर तो तू थी ही, पर आज तेरे चेहरे पर अलग चमक दिख रही है। हाँ दीदू, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे सुंदर लग रहा है। कीर्ति, तू अभी भी अपने दीदू से नाराज है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है हमारा गुस्सा, सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गए हम, पर अब हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। मतलब कीर्ति, तू इस घर से अब कहीं नहीं जा रही है ना? घर वालों का इतना प्यार देख के हमारा तो मन ही बदल गया। वैसे दीदू, चलिए ना हम दोनों बहन मिलके जश्न मनाते हैं, हम बाहर ना सेल्फी लेकर आते हैं। हे माता रानी, अब इस घर में ना सब ऐसे ही खुशी से रहें। अभी तो लग रहा है जब से नैना भाभी गिरी है तब से सिर्फ उनका पैर नहीं दिमाग भी मुड़ गया है। देखिए तो क्या किया उन्होंने, हमारी माँ का कीमती नौलख का पुश्तैनी हार उन्होंने अपनी बहू को दे दिया, अपनी लौटी बहू को। वो भी क्यों? ताकि वो ये घर छोड़कर ना जाए, कल फिर मुंह उठाकर कहेगी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या भाभी ये कर उसके नाम कर देगी और फिर कहेगी बहू आप क्यों घर छोड़ के जा रही है, अरे ये घर तो आप ही का है, आप ही के नाम पर है। क्यों नाश हो? ऋतु, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी, हर रोज ना ये दोनों ही बहनों के चर्चे हो रहे। छोटी वाली पूरा घर सर पर उठाती है और बड़ी वाली उसे संभालती है।
हमें तो लग रहा है कि इस घर के बाहर त्रिपाठी की जगह दीक्षित के नाम की नाम पट्टी लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, देखिएगा। अरे रितु, हम तो ये नाम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अपनी बहू पे हमें कैसे लगाम लगाना है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी, आप बड़ी वाली पे लगाम खींच कर रखिए और हम छोटी वाली पे लगाम डालते हैं। हमारी माँ का कीमती पुश्तैनी हार है, ऐसे ही किसी के गले में लटकने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तूने अपना फैसला बदल लिया। मुझे गर्व है तुझ पर। जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए दीदू, लेकिन त्रिपाठी घर में ना इन्होंने हमारे गुस्से वाली नस छेड़ दी है। नाटक करने का बहुत शौक है ना यहाँ सबको, तो अब दिखाएंगे सबको असली तमाशा क्या होता है। मेरे पास एक ऐसी खबर है ना कि आपको यकीन नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर तो आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी होगी। पक्का कीर्ति की खबर होगी है ना? हाँ, आपको कैसे पता? जैसे उछलते उछलते इतना खुश आई हो ना, पक्का कीर्ति ने ये घर ना छोड़ने का फैसला कर लिया होगा। हाँ, अब मैं अभी ये सब समेट देती हूँ। भगवान, घर को
कबाड़ खाना बनाने का इरादा है क्या श्रद्धा? क्या है ये सब? मम्मी जी वो मम्मी वो मुझसे गलती से फैन ऑन हो गया था और ये सब फैल गया। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देर हो रही है, अब जाके तुम सो जाओ। हाँ और श्रद्धा तुम ना सोने के पहले ये सारा कुछ समेट लेना, क्या हाल बना दिया घर का। अरे श्रद्धा क्या क्या समेटोगी तुम? तुम कहना क्या चाह रही हो सोनिया, साफ साफ कहो। तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रोज तो मैं बोलती हूँ कि छोटी बहन रायता फैलाती है और बड़ी बहन ना रायता समेटती रहती है। जाओ नीचे जाके देख लो, नहीं यकीन हो रहा तो जाओ। बहुत सही, डेकोरेशन का सारा सामान आ गया, स्पीकर भी आ गया। स्पीकर यहाँ है, इसका वो मिक्सिंग बॉक्स, वो वायर, ये सब होता है ना, वो सब कहाँ है? मैडम गाड़ी में पड़ा, लेके आता। जल्दी लेकर आओ। ये डेकोरेशन सही है, चेयर्स लाए हैं ना, और क्या बचा? कीर्ति ये सब क्या है? लाइट्स कहाँ रख दिए? कीर्ति मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, क्या चल रहा है ये सब? अरे दीदू वही चल रहा है जो आपको दिख रहा है। अच्छा चलिए हम समझाते, कल ना हम घर में पार्टी रख रहे हैं तो ये सब उसी की तैयारियां हैं। पार्टी? हाँ देखिए ना ये झूमर, ये चेयर्स, टेबल, स्पीकर, ये देखिए साउंड सिस्टम सब है। सात बजे है पार्टी, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। इसी चीज की कमी रह गई थी भाभी जो आपकी बहू ने पूरी कर दी। और हाँ उसको उधर रख दो, और भैया ये सारा सामान ना वो उस वाले कमरे में रख देना। ओ एक मिनट, क्या उस वाले कमरे में रख दो? अपने मायके से लाई हो वो कमरा? वो कमरा हमारा है, कोई सामान नहीं रखने देंगे हम। अरे बुआ जी अब पार्टी में हमारे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं, किसी को वॉशरूम यूज करना हो, कमरे में आराम करना हो तो आपका कमरा सबसे पास में है ना। और वैसे भी बुआ जी थोड़े टाइम की बात है, कौन सा आपकी तरह वो लोग जिंदगी भर इसी घर में रहने वाले। क्या कहा तुमने? तुमने जो तो तूने इस घर में पार्टी रखने का फैसला खुद से कैसे ले लिया बिना किसी से पूछे? पार्टी रखने से पहले कम से कम ताई जी से पूछा तूने? किसी से नहीं पूछा इसने, यहां तक कि हमसे भी नहीं पूछा। बिना हमसे पूछे हमारा कमरा इस्तेमाल करने जा रही थी तुम? अरे बुआ जी इतनी सी बात पे मुंह फूल गया आपका। अब तो हम यही रहने वाले हैं ना, तो हम आपके तौर तरीकों में ढल रहे हैं, तो हमारे तौर तरीके भी आप सीख लीजिए, है ना मम्मी जी? अभी स्वीटू ये वाह वरुण जी जो आखिरी गिफ्ट बची थी ना आप वो भी ले आए, थैंक यू सो मच। इसे रख दीजिए। हाँ
आप अगेन ये सारी कीर्ति जरा इधर आ। अरे क्या हुआ दीदू? कीर्ति ये सब क्या कर रही है तू? तुझे पता भी है मम्मी कितनी परेशान है, रोज फोन करके पूछती है कि इस घर का क्या माहौल है, लेकिन नहीं तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही है? तो आप मम्मी को सच बता दो ना, बता दीजिए कि इतने बड़े परिवार में हमें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ओ, मम्मी कैसे समझ पाएंगे, मम्मी तो खुद छोटे से परिवार में रही है हमेशा, है ना? कीर्ति जिस परिवार को झेलने की तो बात कर रही है ना, तुझे पता भी उन्होंने कितना धैर्य रखा हुआ है तुझे अपनाने के लिए, यहाँ तक कि वरुण जी तुझसे कितना प्यार करते तुझे वो भी नहीं दिख रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदू, वरुण जी का प्यार देख के और हमारे धैर्य की देवी मम्मी जी के कारण ही तो ये पार्टी पॉसिबल हुई है। हाँ। दीदू हमें बहुत काम है। अच्छा आप दोनों भैया ये ना सोफा हटा दो पीछे और यहाँ चेयर्स लगा दो, और चेयर्स में कवर लगाना हाँ, और ये टेबल आउट, यहाँ पे नए टेबल्स लगाओ और इसको अच्छे से डेकोरेट करो, स्पीकर्स यहाँ और वहाँ लगाना, और अरे हमारे रूम में कुछ सामान पड़ा है, आओ मेरे साथ आओ, हम बताते हैं आपको क्या लेके आना है बाहर। कीर्ति भाई साहब, कीर्ति क्या कर रही है तू? कीर्ति वरुण आपने तो हमसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो उससे बहुत अलग है। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही। वरुण जी, वरुण जी क्या मम्मी जी को परेशान कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ, लिस्ट में ना बहुत सारी चीजें मिसिंग है, हम आपको बताते हैं, आइए। आंटी जी अब इसमें बेचारे वरुण की भी क्या ही गलती है, माहौल तो श्रद्धा ने बनाया था ये बोल के कि कीर्ति के साथ अच्छे रहोगे तो वो भी ठीक रहेगी, अब अपनी ही बहन पकड़ में नहीं आ रही ना तुम्हारे। सबका हाल ना बेहाल करके रखा है इस लड़की ने, अब तो बहुत खुश होगी तुम। जब बहने अपने ससुराल को ससुराल ही समझे अपना घर ना समझे तो क्या ही कह सकते हम भाभी, कहना मतलब अपना ही सर दीवार में पटकने वाली बात हो गई। ऐसे क्या देख रही हो हमें, सच्ची तो कह रहे हैं हम। जब तुम्हारी बहन घर छोड़कर चली गई तब तो तुम्हारे तोते उड़ गए थे अपने घर वालों से बात करने में, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पिताजी से बदतमीजी की तब तो एक जोर का थप्पड़ चढ़ दिया था तुमने। पर आज जब तुम्हारी बहन हमें और हमारी भाभी को इतना परेशान कर रही है तो काहे बुद्ध की तरह खड़ी हो, कुछ करती क्यों नहीं, करो ना। तू शांत हो जाइए, बिगड़ते हुए रिश्ते को कैसे ठीक करूं, हे माता रानी मेरी मदद कीजिए। और कितना गिरती जाएगी तू कीर्ति, पहले तूने यहाँ अपने दोस्तों को घर पे बुलाकर पार्टी की, फिर देर रात तक शोर मचाकर सबकी नींद खराब की, और तो और तूने अभय तक का काम खराब कर दिया। दीदू एक चीज सुन लो, अब आप बस देखती जाना कि हम इस घर में क्या क्या करते हैं। तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख, तो ना ये परिवार टूटेगा
और ना ही तू इस घर को छोड़ के जाएगी। बदलना तुझे पड़ेगा कीर्ति। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।